अब बनाते हैं पानी। उसके लिए फुदीना और धनिया दोनों बराबर ले लीजिए और उसे अच्छे से साफ करके एक मिक्सी में डाल दीजिए और साथ ही डालें मिर्ची, अदरक और थोड़ी इमली। इसे पीस दें और ये आपका पानी का बेस तैयार हो चुका है। इसको एक कटोरी में निकाल लें और उसमें ऐड कीजिए हींग, जीरा पाउडर, काला नमक, सादा नमक, चाट मसाला और 3 से 4 ग्लास ठंडा पानी और ये तैयार हो गया पानी पूरी का पानी। आप इसे चाहें तो और तीखा या और खट्टा बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। पानी पूरी में इमली चटनी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इमली चटनी के लिए इमली को गर्म पानी में 20 से 30 मिनट तक डुबाकर रखें और फिर इस तरह से इमली का पूरा रस निकाल दें। फिर इसे एक बड़े बोल में डाल दें और ऐड करें गुड़, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, काला नमक, सादा नमक और बहुत सारा जीरा पाउडर। इसको अच्छे से मिला दें ताकि गुड़ का पाउडर घुल जाए और फिर इमली की